आज तारीख हो चुकी है 11 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। दरअसल कल हुए भारत पाकिस्तान के यहाँ पर सुपर फोर के मुकाबले में, यहाँ पर शाम को बारिश होने के बाद, लगातार बारिश होने के बाद मुकाबले को यहाँ पर रिजर्व डे पर डाल दिया गया, जहाँ पर कल एक समय में 34 ओवर का मुकाबला कराने का यहाँ पर अंपायर्स ने निर्णय लिया था। और मुकाबला शुरू होने से 15 मिनट पहले दोबारा से यहाँ पर तेज बारिश हो गई थी, इस वजह से मुकाबले को रिजर्व डे पर डाला गया। तो आज यहाँ पर रिजर्व डे के दिन अब मुकाबला यहाँ पर फर्दर शुरू होगा, जहाँ पर भारतीय टीम करंटली 24.1 ओवर में 147 रन बनाकर 2 विकेट गंवा चुकी है। केएल राहुल इसके साथ ही विराट कोहली करंटली क्रीज पर है, इसके साथ ही यहाँ पर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, इन खिलाड़ियों का अब भी आना बाकी है। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर 24.1 ओवर के बाद यहाँ पर शुरुआत होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें फैल रही है कि ये मुकाबला दोबारा से शुरू होगा, लेकिन ये मुकाबला शुरू से शुरू नहीं होगा, बल्कि जहाँ पर कल रुका था वहीं से ये मुकाबला शुरू होगा। तो कुल मिलाकर आज विराट कोहली और केएल राहुल यहाँ पर टीम इंडिया के लिए शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अगर आज मुकाबले में फिर भी बारिश आ जाती है, आज दोपहर में या फिर शाम को बारिश हो जाती है, तो मुकाबला कम से कम एटलीस्ट 20 ओवर का हमें रात 11 बजे भी देखने को मिलेगा। 11 बजे तक अगर ग्राउंड सूख जाता है तो 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा, और 11 बजे तक अगर ग्राउंड नहीं सूखेगा तो यहाँ पर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। हालांकि एक एक पॉइंट मिलने के बाद शायद पाकिस्तान के यहाँ पर फाइनल में जाने के चांसेस बढ़ जाए, टीम इंडिया के यहाँ पर कम हो जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर भारतीय टीम, अब मुकाबला 3 बजे शुरू होगा तो यहाँ से आखिर कितना स्कोर करेगी भारतीय टीम, आखिर 350 रन बना सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है श्रेयस अय्यर की तरफ से। दरअसल श्रेयस अय्यर को यहाँ पर कल प्लेइंग 11 से बाहर करके उनकी जगह यहाँ पर केएल राहुल को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया गया। हालांकि रोहित शर्मा ने इसके पीछे रीजन बताया, उन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर बैक की इंजरी वापस इनको हो चुकी है। बैक की इंजरी से जो ये जूझ रहे थे लगभग 6-8 महीने क्रिकेट से दूर थे, दोबारा से इनको बैक की इंजरी हो गई है। यहाँ पर रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान ये बताया था। हालांकि इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही है कि यहाँ पर टीम इंडिया इनकी इंजरी को लेकर झूठ बोल रही है। यहाँ पर इसी वजह से टीम इंडिया यहाँ पर इनकी जगह केएल राहुल को खिला रही है। करंटली यहाँ पर इस प्रकार की खबरें फैल रही है कि यहाँ पर टीम इंडिया झूठ बोल रही है, श्रेयस अय्यर को बाहर करने के लिए टीम इंडिया की प्लानिंग है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच यहाँ पर ये टीम इंडिया झूठ बोल रही है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन को लेकर। दरअसल आईपीएल ऑक्शन में अब काफी कम समय बचा है। दरअसल हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर दिसंबर की शुरुआत में या फिर दिसंबर के मिडल में आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलेगा। और करंटली यहाँ पर फ्रेंचाइजियां ऑक्शन की तैयारियां कर रही है, ऑक्शन के सिलसिले में फ्रेंचाइजियां लगी हुई, खिलाड़ियों से फ्रेंचाइजियां बातचीत करी। इसी सिलसिले में ऑक्शन की वेन्यू को लेकर करंटली मुंबई के नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसके साथ ही जयपुर, इसके साथ ही पुणे, इसके साथ ही यहाँ पर करंटली अहमदाबाद का नाम भी सामने आ रहा है। तो यहाँ पर अभी बीसीसीआई ने ये डिसाइड नहीं किया कि इनमें से यहाँ पर कौन सी वेन्यू पर ऑक्शन होगा, कहाँ पर ऑक्शन होगा। तो बीसीसीआई यहाँ पर अब जल्द ही इनमें से एक वेन्यू को डिसाइड करेगा। रिपोर्ट ये कि बीसीसीआई यहाँ पर पर्चियाँ निकाल कर डिसाइड करेगा, जहाँ पर पर्चियों में सभी वेन्यूज के नाम लिखे जाएंगे, उनमें से एक पर्ची निकाल कर यहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू यहाँ पर ऑक्शन के लिए बीसीसीआई चूज करेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप कौन से शहर में आखिर आईपीएल ऑक्शन देखना चाहते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज की यहाँ पर वेदर कंडीशन को लेकर। दरअसल जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक कोलंबो में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर बारिश होने के 95% ऑलमोस्ट यहाँ पर कोलंबो में चांस है। तो जो भी यहाँ पर अभी दिन में जो भी अपडेट रहेंगे, जो भी फर्दर अपडेट मुकाबले के रिगार्डिंग, जो भी यहाँ पर बारिश के रिगार्डिंग अपडेट रहेंगे, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी और कोलकाता की तरफ से। दरअसल यहाँ पर रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि आरसीबी और कोलकाता दोनों ही टीमें मिचेल स्टार्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जहाँ पर मिचेल स्टार्क इस साल आईपीएल में आ रहे, ऑक्शन में ये अपने आप को रजिस्टर्ड कर रही, इस वजह से दोनों टीमें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोनों टीमें करंटली इनको परचेज करने की फिराक में, शायद इन दो में से कोई एक टीम इनको परचेज करे, जहाँ पर आरसीबी की टीम को भी स्टार्क की नीड है, कोलकाता को भी इनकी नीड है। कोलकाता की टीम फर्ग्यूसन को रिलीज करी है, तो इस वजह से यहाँ पर कोलकाता की टीम इनको टारगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर ये
क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों ही टीमें इनको यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में टारगेट कर रही, इनके साथ कॉन्टेक्ट कर रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप मिचेल स्टार्क को आखिर इन दोनों में से कौन सी टीम में देखना चाहोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है टीम इंडिया की तरफ से। दरअसल एशिया कप में लगातार बारिश से यहाँ पर टीम इंडिया का वर्कलोड बढ़ चुका है, जहाँ पर अब 3 दिनों में टीम इंडिया 3 मुकाबले एक तरीके से खेलेगी। जहाँ पर कल टीम इंडिया ने यहाँ पर 30% मुकाबला खेला, तो 10 तारीख को मुकाबला खेला था, 11 तारीख को टीम इंडिया बचाव मुकाबला खेलेगी, जबकि 12 तारीख को कल के दिन अब इसी वेन्यू पर इसी स्टेडियम में यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर का मुकाबला टीम इंडिया खेलेगी। उसके 2 दिन बाद यहाँ पर 15 तारीख को दोबारा से सुपर फोर का एक और मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी। तो यहाँ पर भारतीय टीम इस प्रकार से यहाँ पर काफी बेकार शेड्यूल बनाया गया है कि भारतीय टीम को लगातार यहाँ पर काफी कम अंतराल में काफी अधिक मुकाबले खेलने पड़ रहे, तो इससे प्लेयर्स का वर्कलोड बढ़ रहा है और प्लेयर्स के इंजर्ड होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर श्रीलंका को वेन्यू सेलेक्ट करके भी यहाँ पर बड़ी गलती करी गई, जहाँ पर करंटली श्रीलंका में मानसून चल रहा है, आए दिन यहाँ पर काफी अधिक बारिश होती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कि श्रीलंका के अलावा कई और एशिया कप कराना चाहिए था या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी की तरफ से। दरअसल कल यहाँ पर मुकाबला यहाँ पर रिजर्व डे पर जाने के बाद अफरीदी और यहाँ पर बुमराह मिले थे, जहाँ पर शाहीन अफरीदी ने बुमराह के यहाँ पर हाल ही में हुए बच्चे के लिए यहाँ पर गिफ्ट दिया था। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे, जहाँ पर जसप्रीत बुमराह अभी रिसेंटली यहाँ पर फादर बने, ये मुंबई भी यहाँ पर एशिया कप के दौरान चले गए थे, इस वजह से अफरीदी ने यहाँ पर इनके बच्चे के लिए इनको गिफ्ट किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है संजू सैमसन की तरफ से। दरअसल संजू सैमसन जिनको यहाँ पर एशिया कप स्क्वाड से बाहर कर दिए गए, केएल राहुल के यहाँ पर श्रीलंका आने के बाद संजू सैमसन को घर भेज दिया गया, तो यहाँ पर अब संजू सैमसन के फैंस टीम इंडिया पर सवाल उठा रहे। संजू सैमसन के फैंस ये सवाल उठा रहे कि अगर सुरेश अय्यर इंजर्ड थे तो यहाँ पर सैमसन को वहीं पर रोकना चाहिए था, सैमसन को उनकी रिप्लेसमेंट बनानी चाहिए थी। इसके साथ ही फैंस ये मांग कर रही कि सैमसन को दोबारा स्क्वाड में लिया जाए, सुरेश अय्यर अगर इंजर्ड है तो उनके साथ रिप्लेस किया जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप सैमसन को आखिर एशिया कप के स्क्वाड में दोबारा देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।